रानी जी आप तो जिंदा हैं। जिंदा है मतलब अगर थोड़ी देर ऐसे पकड़ के रखते तो मैं मम्मी जी हमें तो लग सकता क्या उठपटांग पकड़ी है। नहीं नहीं ससमा वो तो परी यूं ही ऐसे टेंपस टेंपस खेल रही है। ये तुम सब साथ में सोते हुए मेरी अंगूठियां निकालने के चक्कर में तो नहीं थे। कदापि निषेध मैया हम कुलवधू तो इस निरीक्षण हेतु एकत्रित हुई थी। कदाचित आप नंशी समान ये दीर्घ निंद्रा व्यवहार किस कारणवश आचरित कर रही थी। क्या माँ जी हम बहुओं की टोली तो ये देखने आई थी कि आप ननद जी की तरह इतनी देर तक क्यों सोई थी। कह रही है दीदी अरे वो सरला है ना खुद तो फुटबॉल जैसी है अपना पतला होने के चक्कर में 3 चक्कर मुझे ज्यादा चलवा दिए थोड़ा सुस्ताने लगी थी आंख लग गई। तुम लोग ऐसे क्या देख रही हो जेब खर्ची चाहिए लिपस्टिक पाउडर लाने को। ज्यादा दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ तिजोरी की चाबी किसी को नहीं मिलेगी। कौन सा टीवी सीरियल बंद हो रहा है जो माता मना रही हो। जय शिव शंभु भोले की कृपा से वर्तमान स्थिति में हमारी मैया स्वस्थ एवं निरोगी हैं। यह ज्ञात करके बहुतायत से बहुतायत प्रसन्नता का अनुभव हुआ। माँ जी कुशल मंगल है ये जानकर बहुत खुशी हुई। कह रही है दीदी लेकिन दीदी आज ठीक है अगले 7 दिनों का क्या शिव जी का कहा गलत नहीं होता। हाँ शिव जी की माने तो सासुमा 7 दिनों में हमेशा के लिए हमें छोड़कर चली जाएंगी। शिव शंभू जूस 7 दिन फिर तो हमें आज से हर दिन हर पल माँ जी की सेवा में लगा देना चाहिए। यथार्थ वस्तुतः प्रत्यक्ष दिवस उपरांत हम समस्त कुलवधू एकाच पल मैया की प्रतिपाल्यता का संचालन करेंगे। आज से हम एक एक सेकंड सिर्फ माँ जी की सेवा करेंगे। कह रही है दीदी बस एक एक सेकंड मतलब 1 2 3 4 5 बस हम 5 सेकंड ही मम्मी जी की सेवा करेंगे। सही कहा देखा पंजीरी ने हाँ मतलब प्रार्थना ने बिल्कुल सही कहा। हम सासुमा का हमेशा ध्यान रखेंगे उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए उनका सारा काम अब से हम करेंगे। हाँ उनका खाना भी हम ही खा लेंगे लेकिन उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। परी परी क्या करूँ तुम्हारा। देखो मेरा मतलब ये है कि हम एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे सासुमा की सेवा करने का। सुबह शाम दिन रात बस सासुमा 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 मतलब उनकी सेवा करते रहेंगे। सत्य हे अमराज जी कृपा करके माँ जी को लेने जल्दी मत आना। शिव जी ने 7 दिन का है आप 7वें दिन के बाद ही आना हो सके तो आना ही मत हमें हमारी माँ जी बहुत प्यारी है। यमराज जी कौन ये यमराज जी मेरठ में रहते हैं और ये मम्मी जी को लेने क्यों आएंगे। यमराज जी मेरठ में रहने वाले इंसान नहीं यमलोक के राजा हैं यमराज। दुनिया से कोई चले जाता है ना तो वो उन्हें लेने आते हैं। ओ अच्छा अच्छा हाँ सॉरी हाँ मुझे इनके बारे में नहीं पता था। देखो माँ जी अब जितने भी दिन हैं हमें उनका हर पल यादगार बनाना है उनकी इतनी सेवा करनी है। नुजालो फेर दिस एस जूस मार्वेलियस। हाँ उनकी इतनी सेवा करेंगे कि उनका जूस निकाल देंगे। शिव शंभू क्या भोले रात को टीवी के विज्ञापन की तरह आए और ज्ञान देकर चले गए। अगर भोले हो तो थोड़ा सा भोलापन कुंती पे भी बरसाओ मेरी बहुओं से मेरी सेवा करवाओ। माजी हे
इतनी सारी पालक बेचने तो नहीं वाली पड़ोसियों को? नहीं माँ जी, आपने बोला था ना कि आपने बहुत दिन से पालक नहीं खाई, तो मैं ले आई। बेटा, बहुत दिन से पालक नहीं खाई ये कहा था, बहुत दिन तक पालक खाती रहूंगी ये नहीं कहा था। पूरी सब्जी मंडी काहे उठा लाई? माँ जी, आपको पालक पसंद है ना, तो मैं पालक के इतने अलग अलग व्यंजन बनाऊंगी कि आपका दिल बाग बाग की जगह पालक पालक हो जाएगा। पालक पनीर, मटर पालक, आलू पालक, पालक की चाय, पालक मुगलाय, पालक अफगानी, सादी पालक। ए, पालक की पालनहार। वैसे तुम पालक से ज्यादा भिंडी पसंद है। भिंडी? माँ जी तो बताइए कौन सी भिंडी बनाओ? भरवा भिंडी, सूखी भिंडी, आलू भिंडी, रसेदार भिंडी, तली भिंडी। दीदी के आशीर्वाद से आज सब लिख डालूंगी। आप बताइए आपको कौन सी पसंद है, मैं आज पूरी लिस्ट बनाऊंगी। हे बेटा, दीदी की भक्ति छोड़ दी का, जो मेरी भक्त प्रहलाद बनी हो? नहीं माँ जी, दीदी की भक्ति के साथ साथ अब मैं सास भक्ति भी करूंगी। आपको जो जो चीजें पसंद है बताइए ना माँ जी। वैसे तो मुझे मठरी खाए बहुत दिन हो गए। मठरी? अच्छा, फिर कौन सी मठरी बनाओ? जीरा मठरी, पालक मठरी, अजवाइन मठरी, मीठी मठरी? बस अजवाइन मठरी। ठीक है, अजवाइन मठरी। माँ जी, और भी आपकी मनपसंद की चीजें बताइए ना, कम से कम 10 चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। क्यों बेटा, मैं क्या मैट्रिक में अव्वल आई हूँ जो मेरे पे इतनी मेहरबान हो रही है? माँ जी, दीदी के तो 10वीं के इम्तिहान में सिर्फ 40% नंबर आए थे, फिर भी मैंने 4 तरह के लड्डू बनाए थे। पर आप तो सास है, सास तो 10वीं में 10 बार भी फेल हो जाए ना, तो भी बहू का कर्तव्य है कि दीदी के आशीर्वाद से उनकी सेवा करे। माँ जी, मैं भी आपकी जम के सेवा करूंगी। अब बिना सवाल के बताइए मैं क्या क्या बनाऊं? ठीक है तो लिख। हाँ। पालक पनीर। हाँ। आलू कोफ्ता, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी चटोरी हूँ। माँ जी, कागज में 2-3 लाइन की जगह बाकी है, और भी कुछ बताइए ना। अरे बेटा, पचाने के लिए भी तो जगह रहने दे। ठीक है माँ जी, तो तेरा आज दोपहर के खाने में आपकी पसंद के पालक व्यंजन, आपकी पसंद का रायता, आपकी पसंद की ज्वार की रोटी, और शाम को आपकी पसंद की अजवाइन मठरी, और रात को आपकी पसंद की। अरे बेटा, घर में और भी लोग हैं, उनसे भी तो उनकी पसंद पूछ ले। नहीं माँ जी, आज से इस घर में सिर्फ आपकी सेवा होगी, सिर्फ आपकी बात सुनी जाएगी, चाहे वो खाना हो या रेडियो में बजने वाला गाना हो। बेटा फिर से बोल। रेडियो में बजने वाला गाना हो, उससे पहले जो बोला चाहे खाना हो। नहीं, उससे भी पहले जो बोला। नहीं माँ जी, उसके बाद। अच्छा, वो आज से इस घर में सिर्फ आपकी सेवा होगी, सिर्फ आपकी बात सुनी जाएगी। एक बार फिर से बोल। आज से इस घर में सिर्फ आपकी सेवा होगी। बस बस। बोले, मतलब तुमने मेरी सुन ही ली, इस बार काम बिना तकास्तु बोले ही कर दिया। प्रतिभा ने कहा है कि मम्मी जी की तबीयत खराब होने पे भी वो हमें छोड़ के जा सकती हैं, तो घर में हर तरीके की गोलियां रहनी चाहिए ना। ये रही सारी गोलियां, इमली की गोली, रंग बिरंगी गोली, संतरे की गोली, खट्टा मीठा गोली और गैस की गोली। गैस तो किसी को भी हो सकती है ना, इसमें हंसने की क्या बात है? कुंते! हाँ हाँ, मुझे पता है, ये मम्मी जी की गैस की गोली है। कुंते, कहाँ हो तुम? हम आ गए हैं। चला रहे और आप हैं कौन? हम ABCD FGH KLM यम यमराज हैं हम। अच्छा अच्छा, लेकिन आप यहाँ कर रहे हैं क्या? यमलोक में चर्चा हो रही थी कि पंजीरी ने पालक पनीर बनाया है।
वही चटोरने आए हैं सर। मूर्ख बालिके, हम पालक पनीर खाने नहीं, हम कुंती को लेने आए हैं। लेकिन मम्मी जी तो सरला आंटी के साथ चाय पी आई और पार्क भी घूम आई, तो अभी तो उन्हें कहीं नहीं जाना। आप एक काम कीजिए, कल आइएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो आप बीच बीच में हंस रहे हैं, ये आपको चुटकुले कौन सुना रहा है? मूर्ख बालिके, यमलोक से सीधा पधारे, यहाँ यमराज हूँ और कुंती को लेकर ही जाऊंगा। यमलोक से यमराज, सुना सुना सा लग रहा है। यमराज जी मेरठ में रहने वाले इंसान नहीं, यमलोक के राजा हैं यमराज। दुनिया से कोई चले जाता है ना, तो वो उन्हें लेने आते हैं। आप यमलोक के यमराज हैं। यमराज जी आप प्लीज मम्मी जी को लेके मत जाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप मम्मी जी को लेके मत जाइए, अगर मम्मी जी चली गई तो मेरी बेवकूफियों पे मुझे प्यार से डांटेगा कौन? प्लीज प्लीज आप उन्हें लेके मत जाइए। हटा। नहीं नहीं रुके रुके, मैंने आपको रिश्वत दे दी, ये लीजिए। और भी है, ये भी लीजिए। अगर आपको और भी चाहिए तो मेरे पास इमली भी है, काला खट्टा भी और गैस की गोली भी है। आप खुद भी खाइए और अपनी गाय कभी खिलाइए। गाय नहीं, भैंसा है, बान है हमारा। वो जो भी है। बढ़िया लग रहा। तो अब आप मम्मी जी को लेके नहीं जाएंगे ना? हटो। नहीं, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मैं आपका गद्दा नहीं छोड़ूंगी। अरे गधा नहीं, गधा है ये। मैं आपका गद्दा नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़ा? नहीं। ये कहाँ और है? मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, आप चुप जाइए। मम्मी जी यमराज आए आपको लेने के लिए, आप अपनी शक्ल भी मत दिखाइए, चुप जाइए मम्मी जी। परी जीजे। नहीं नहीं जी, ये भी आपके जीजा जी है। क्या हो रहा है मेरे घर में? मम्मी जी आप छुप जाइए, यमराज आए हैं आपको लेने। मैं तो आपके नाम की खीर पूरी बटने से बचा रही हूँ, छुप जाइए मम्मी जी। परी ये यमराज नहीं है, जीजे है। ठीक ठीक का ठीक, तुझे देखकर पहचान नहीं आया कि दामाद जी है? नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे देख के शक तो हुआ था कि इनकी शक्ल नंदोई जी जैसी लग रही है, पर फिर मुझे प्रतिभा की बात याद आ गई। उसने बताया था कि इस दुनिया में एक आदमी के साथ हमशक्ल होते हैं, मुझे लगा कि नंदोई जी के हमशक्ल होंगे। का जीजे, ये का नाटक चल रहा है? और ये का है? वाहन है हमारा ससुमा, वो सासवानी महारानी से नौकरानी का नाटक था ना, उसी की तैयारी कर रहे थे। जिसमें तुम सताई हुई सास के नलायक और निकम्मे बेटे बने हो। अरे जो किरदार हमारे ऊपर जचेगा हम वही ना करेंगे। बेटे का रोल तो हम कर ही रहे हैं, यमराज का रोल भी हम ही को करना पड़ रहा। वो का हो गया ना, यमराज का किरदार करने वाला वो फिरंगी पर्यटक का जेब काट लिया मेरा चौराहे पे, तो पुलिस उसको पकड़ के ले गई। सीछे चलो, दुकान के लिए देरी हो रही है। ऐसे? हाँ ऐसे ही। अरे क्या बात कर रहे हो, ऐसे ही जाएंगे? हम ना जाएंगे तुम्हारे वाहन पर। अरे चलो 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 चलो। ओ तो ये नाटक की तैयारी थी। मम्मी जी जब नंदोई जी कुंती कुंती करके चिल्ला रहे थे ना, तो मैं तो डरी गई थी। मुझे लगा कि आज के बाद हम इस घर में आपको नहीं देख पाएंगे। ये लिपस्टिक पाउडर, तुम मेरी इतनी चिंता कर रही थी कि यमराज से लड़ ली? मम्मी जी मैं आपके लिए डर गई थी। मम्मी जी ऐसे हम आपको कैसे जाने दें? अभी तक तो हमने आपकी अच्छे से सेवा की। नहीं क्या कहा तुमने, फिर से बोल। फिर से
अरे नहीं, जो कहा वो फिर से बोल। वो फिर से? अरे नहीं, वो जो सेवा वाली बात थी ना वो। अच्छा वो। मम्मी जी वो मैं फिर से नहीं, वो तो मैं दिल से बोलूंगी। मम्मी जी अभी तक हमने आपकी अच्छे से सेवा की नहीं। वाह भोले, सास की सेवा तो बहुओं के सर चढ़कर बोल रही है। कुछ तो तगड़ी फिरकी घुमाए हो प्रभु। गिरने का इंतजार कर रहे हो क्या? अरे एक सेकेंड एक सेकेंड। देखो शिवजी ने कहा है माजी 7 दिन में भगवान को प्यारी होने वाली है, इसलिए माजी दुनिया छोड़ के जाए उससे पहले मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हम हर वो चीज बनाएंगे जो माजी को पसंद है। लेकिन सासुमा को लेने कौन गया है? ओ ए, क्या है ये? मैं कोई बाहुबली की माँ हूँ जो 2 लोग मेरे आगे पीछे चलेंगे? चलो आगे, आ रही हूँ खाना खाने। अरे चलो। एक सेकेंड माँ जी। नहीं नहीं, मम्मी जी का नाम एक सेकेंड थोड़ी ना है। मम्मी जी का नाम तो कुंती मम्मी जी है। माँ जी एक सेकेंड। हाँ अब बैठिए। अरे किसकी बारात का खाना है ये? आपकी। माँ जी ये सब खाना आपके लिए। सासुमा सब खाना आपकी पसंद का है। नू आलो वो नू रीत, जो हम सब आपको अपने हाथों से खिलाएंगे। भोले क्या गुट्टी पिला के गए हो बहुओं को? इतनी सेवा तो सरवन कुमार ने अपने माँ बाप की भी नहीं की होगी जितनी ये मेरी करने को मरी जा रही है। मुझे तो आम खाने से मतलब। सर्वप्रथम ये गोलम गोल आकार गेहूं धान निर्मित भोज हम ही मैया की जीवा में सम्मिलित करेंगे। रोटी, सबसे पहले रोटी दीदी खिलाएंगी। कह रही है दीदी। नहीं नहीं दीदी क्यों, माँ को सबसे पहले रोटी मैं खिलाऊंगी। नहीं मैं। नहीं नहीं वही तो मैं कह रही हूँ। तुम नहीं, सबसे पहले तो मैं खिलाऊंगी। नहीं क्यों क्यों, सबसे पहले मैं खिलाऊंगी। ये क्या पहले मैं लगा रखी है? पहले खिलाने वाले को मैं सोने का सिक्का नहीं देने वाली। दीदी को शुरुआत करने दो ना। ठीक है। मैया माँ एक सेकेंड। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने कहा ना आपका नाम एक सेकेंड नहीं है, आपका नाम तो कुंती मम्मी जी है। कुसुम और कुसुम बाहर तो आना। जल्दी बताओ मैया, बहू सास के खाने में जहर डालने वाली है। शिव शंभू।